आज बिलपति नगर पंचायत में आर्यन जायसवाल जी ने जेई एडवांस की परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आइए हम उनके घर पर हैं और उनके परिवार सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जानते हैं कि उन्होंने सफलता कैसे लिया। सबसे पहले आर्यन जी, आपको जो चयन आपने लिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके परिवार को भी बहुत सारी शुभकामनाएं जी। सबसे पहले आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं और आपके माता पिता जी क्या करते हैं? जी, मेरा नाम आर्यन जायसवाल है, मैं शाहबाद बिलवरगंज का रहने वाला हूँ और मेरे मतलब मम्मी हाउस वाइफ है और पापा मतलब ये पॉलिटिक्स में थोड़ा रहते हैं और अपनी बीएड की और मोबाइल की। जी, आपने प्राइमरी से लेकर जो है इंटर की परीक्षा, इंटर की जो हमने शिक्षा ली है वो कहाँ से प्राप्त किया? इसे हमने बचपन में अपनी पहले नेहरू निजी स्कूल हुआ करता था, उससे अपनी मतलब छोटी मोटी की थी, उसके बाद अल्माइटी में फिफ्थ तक और उसके बाद सिक्स से टेंथ तक फरिंदा एल पी में और फिर उसके साथ दो साल मैंने मतलब स्कूल वगैरह नहीं किया था, नाम था बस डर्मी स्कूल का। मैंने मतलब आई आई टी की प्रिपरेशन की थी तो मतलब फिर कोविड आ गया था, तो कोविड के टाइम मतलब नया नया ऑनलाइन आया था तो उसके बाद मुझे उसको समझने में थोड़ा टाइम लगा, तो थर्ड के जस्ट बाद मतलब पास नहीं कर पाया था मैं, मतलब मेंस क्वालिफाई हो गया था, एडवांस नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैंने फिर से एक साल ड्रॉप किया अलग से ही, तो उसके बाद मैंने अन अकेडमी ज्वाइन किया था मतलब इलेवंथ के बाद से ही, तो मैंने ऑलरेडी 32,000 प्रॉफिट कर लिया था, तो टू ईयर्स का मैंने डिग्री था। तो उसके बाद मैंने उसी से मतलब एक साल पढ़ाई किया, फिर जे मेंस और जे एडवांस। आपने कितना समय पढ़ाई में लिया है? जी, मैं समय देख कर नहीं पढ़ा करता था कि मुझे इस समय पढ़ना है उस समय पढ़ना है, मतलब मेरा टाइम था कि जब पढ़ो तो पढ़ो, मैं बैठा था तो पढ़ता ही था, वो बहुत कुछ काम नहीं, मतलब ये नहीं कि दो घंटा हो गया सर उठो, अब हम बैठ जाते थे तो पढ़ते थे जब तक मन कर लगा, मुझे खाना तो मम्मी बुलाती थी तभी उठते थे और अपने टाइम से सोते थे टाइम से। जी, जे ई एडवांस में जो है आपका चयन हुआ है तो आपको कैसा लग रहा है? इस समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब मैं देश के बड़े बड़े कॉलेजेस में जाके पढ़ सकता हूँ और ऐसे बच्चे बहुत कम हैं तो अच्छे लोगों का संगति मिलेगा मुझे। इसका श्रेय किसको देते हैं, आपकी सफलता का श्रेय कौन? मेरी सफलता का श्रेय मेरे माँ बाप, बहन भाई और मेरे रिश्तेदारों को जाता है जो मुझे उनको विश्वास दिए तो मुझे अच्छा पढ़ने का मौका। जो छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं उनको क्या आप कहना चाहते हैं? यही कि अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो ही करें, अब आपके माँ बाप कह रहे हैं या कोई कह रहा है कि पढ़ाने का लड़का चला गया वो पढ़ रहा है तो आप भी कर लीजिए। अगर आपको दिली तमन्ना है कि आप करना चाह रहे हैं तो आप अगर इसमें मन लगाएंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे, कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे तो आपका चयन है। जी, कोई खास आपकी कोई पसंद, कोई खास चीज़ें आप कहना चाहते हैं यहाँ की जो आवाम है या छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनसे कोई खास चीज़ें आप कहना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं अपने फील्ड में था तो मैं अपने फील्ड में था, ये नहीं कि कोई और कुछ कर रहा है तो मैं तब सोचा ये भी कर लूँ वो भी करिए, आप जो भी कर रहे हैं आप उसी में अपना पूरा 100% फोकस कीजिए, आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूरी। जी, यहाँ पे हमारे आर्यन जायसवाल जी के माता जी भी हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कैसा लग रहा है और इनके जो है सफलता में इनका क्या योगदान रहा है। जी, बताइए। तो बहुत अच्छा लग रहा कि लड़का मेरा निकल गया और घर से ही पढ़ के निकल गया। जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे आर्यन जायसवाल जी के पिताजी भी मौजूद हैं और क्योंकि सफलता पिता के ही कर्मों से होता है, इन्होंने कौन सी युक्त बनाई थी कि जो इनका बेटा आज चयन होकर इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है? जी, हमें पहले आप लोग यहाँ आए हैं इसके लिए धन्यवाद। हमारा यह सबसे कहना है कि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं पहले तो उनके माता पिता उनको ध्यान दें, बच्चा क्या कर रहा है उस पर भी ध्यान दें। हमने जब से भी मेरा बच्चा पढ़ रहा है तब से हमने यह देखा कि मेरा बच्चा कहीं फालतू दिमाग लगाता ही नहीं था, जब भी देखो पढ़ता रहता था और मैंने जो भी उसने कहा, जो भी उसकी ज़रूरतें थी मैं उसको पूरा करता रहा और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पढ़ करके आगे हो। मेरे जीवन का सबसे आज
महत्वपूर्ण दिन है कि मेरा बेटा इस काबिल हुआ कि IIT में उसका चयन हो गया। मैं और मेरा पूरा परिवार और मेरे सारे रिश्तेदार सभी लोगों ने मुझे बधाई दी। यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं, उन लोगों ने यह भी कहा कि आर्यन ने मेरे परिवार का, मेरे खानदान का, हमारे समाज का भी नाम रोशन किया है। इसके लिए उसको बधाई देता हूँ। बस इस समय सबसे खास बात होती है कि घर की जो छोटी बहन होती है उसका भी कहीं ना कहीं योगदान होता है, और वो भी इसी फील्ड में अपनी जो है सिलेक्शन कराना चाहती हैं, उनकी भी तैयारी चल रही है। लेकिन भाई के ये चयन में क्या कहती हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। माय नेम इज रिया रसवाल, आई एम सिस्टर ऑफ आर्यन। आई एम वेरी ग्लैड दैट ही हैव क्वालिफाइड जे एडवांस इन 2022। एंड वो यहाँ पे घर पे ही रह के मतलब पूरी पढ़ाई किया, वो कहीं बाहर नहीं गया, और उसने बहुत सेक्रीफाइसेस किए। हम लोग घूमने जाते थे, पार्टीज एंड ऑल, वो कभी ये सब नहीं किया, बर्थडे वगैरह। फिर घर पे रहने का मतलब डाउट क्लियरिंग का बहुत दिक्कत होता है, फिर एक ओवर थिंक डिप्रेशन, उन सब फेस को गुजरा, लेकिन वो हार नहीं माना। मेरे यहाँ मतलब बहुत सी दिक्कतें आई, लेकिन मेरे भाई ने कभी भी हार नहीं माना, और उसने कंसिस्टेंसी बनाए रखा, मेहनत किया, खुद पे भरोसा रखा, और हम लोग की उम्मीद पे खड़ा रहा। और हम लोग को बहुत खुशी है कि उसने जेई एडवांस क्वालिफाई कर लिया, और हम यही चाहेंगे कि वैसे हमेशा आगे बढ़ते रहे और उसको हर सफलता मिले। और हम उसकी छोटी बहन है, हम भी उससे बहुत प्रेरित हैं, और हम तो हमेशा उसके साथ हैं ही, और वो हमको एक बहुत गाइड करता है, और मेरा रोल तो यही, हम बस उसको थोड़ा सा गाइड करना, ये वो हम कभी कभी कर दिया करते थे, लेकिन हम लोगों एक बॉन्डिंग ऐसा है कि हम लोग जो भी करते हैं साथ में मिल ही करते हैं, और उनको गाइड करता, प्रॉपर गाइड बताना एंड ऑल, बहुत गाइड आया। एक तो हम लोग के सर थे मिस्टर अनूप राय, उन्होंने हम लोग को यही सब बताया कि कैसे हम प्रिपेयर करें, क्या चीज़ IIT का रास्ता उन्होंने ही दिखाया, फिर हम लोग ऐसे स्टार्ट किए। बस हम बस बहुत खुश हैं कि मेरे भाई का हो गया, और हम यही चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर मेरा भी हो जाए, कि आप लोग मेरा इंटरव्यू लें और यहाँ पे हम बैठे रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक खास चीज़ें बात करने में एक खास चीज़ें आई है कि आपने घर से ही तैयारी किया, तो कोई ना कोई आपका एक टीचर रहा होगा, कोई कोई मार्गदर्शक रहा होगा, वो उसका नाम जो है, क्योंकि ये क्षेत्र की जो ये रूरल इलाका है, तो उनको ये खुल के आना चाहिए, तो वो बच्चे जो है जो तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उनसे आपकी तरह गाइडलाइन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो जरा उस मार्गदर्शक का नाम बताना। ऑनलाइन वाले वो मुझे मतलब जब मैं था 10th में, तो 9th-10th में पहले तो शुरुआती मतलब मुझे इंटरेस्ट आया मैथ्स में, हमारे ये विजय सर हैं, उनसे हम लोगों ने मैथ्स की कोचिंग की थी, तो मैथ्स का इंटरेस्ट बचपन में उन्हीं ने बनवाया कि मैथ्स में मतलब हम लोग जहाँ भी गए मैथ्स में क्लास में मतलब टॉप पोजिशन पर हम लोग रहते थे, तो वहाँ से पहले से मैथ्स में इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद जब 9th-10th में गए तो साइंस भी अच्छे लेवल पर थोड़ा आया, फिर मैथ्स भी आया, तो फिर इसके लिए हम लोग बाद में अनुराग सर से मिले, उन्होंने हम लोगों को फिजिक्स कैसे पढ़ा जाता है, क्या करा जाता है, तो वो सिखाया, IIT क्या होता है वो बताया, क्योंकि सीरियम तो किसी को पता था नहीं, उनसे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिली, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, मतलब उन्होंने भी तैयारी की थी लेकिन उनका एडवांस नहीं हो पाया था, फिर मिस हो गया था, तो हमें बहुत प्रेरित करते थे, हमें बहुत समझाते थे कि बेटा आप करोगे प्रयास तो हो जाएगा, तो वहीं से हमको मतलब एक स्टार्टिंग बूस्ट मिली थी, उसके बाद हमने अपना रास्ता आगे क्या करना है कैसे करना है वो सारा क्या। आपको ऐसा नहीं लगा कि आप एक रूरल इलाके में हैं और यहाँ तैयारी उचित ढंग से नहीं हो सकती है, तो क्या आपको कभी इस तरह की फीलिंग नहीं आई? इसे देखिए, आप कोई भी फील्ड में कोई भी काम करेंगे, आपका ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तो जिंदगी भर पढ़ते ही रहेंगे, साल भर पढ़ेंगे, कभी आपकी दिक्कतें नहीं आएंगी, दिक्कतें और उतार चढ़ाव जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है जो आने ही है, अब उस समय आप उसको डील कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है, अगर आप उसे डील करना सीख जाएंगे तो ही आप उसे कुछ कर सकते हैं, तो आपको उस समय ये नहीं सोचना है कि मेरा ये बिगड़ गया तो आगे भी हम नहीं कर पाएंगे, क्या है क्या नहीं है, हमको ये देखना रहेगा कि हम आज क्या कर सकते हैं अपने कल को बेटर बनाने के लिए, कल जो गया सो गया, तो आपको वही देखना है कि जो दिक्कतें आई उन्हें सॉल्व करिए और फिर आगे बढ़ते रहिए, ऐसे बार बार होता रहे तो निरंतर अभ्यास से आप जो चाहें जी। आशीष जी कुछ और कुछ हम बताना भूल गए, जिस समय इसका मेन एग्जाम का समय आया उसी समय हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, जिस कारण मेरा बच्चा एक महीना, मेरा पूरा परिवार डिस्टर्ब रहा उसमें, उस परिस्थिति में भी मेरे बेटे ने पढ़ाई निरंतर किया और माता रानी के सहयोग से, हमारे दोस्त यारों के सहयोग से,
और आप सबके सहयोग से मेरा बेटा क्वालिफाई हुआ। इसके लिए मैं अपने सभी हित मित्र सुखचिंतकों रिश्तेदारों सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी ये रही आर्यन जायसवाल जी की जो सारी जो है आज तक की जो कहानी थी, इन्होंने कितना उतार चढ़ाव दिया, अपने पढ़ाई और शिक्षा में कितनी दिक्कतें आई, कैसे इन्होंने इस मुकाम पे पहुँचा, ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आई है। कुल मिलाकर ये निचोड़ आया है आर्यन जी से कि कहीं भी कोई भी बच्चा, ये रूलर का नहीं कि हमारे वहाँ रूलर है और रूलर से ही दिक्कत आती है, क्योंकि इन्होंने एक एक गांव जैसे परिवेश में रहकर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।